वहीं रायपुर में पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मतदान किया है। उन्होंने पूरे परिवार के साथ वार्ड क्रमांक 37 तात्यापारा वार्ड के सिंधी स्कूल में बने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला। वोट डालने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, इसलिए सरकार लोगों को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रही है। मतपत्र से वोट करने का मतलब ही ये है, जब ईवीएम मशीन आ गई, हम ये कहते हैं कि अंगूठा नहीं लगाना, अब दस्तखत करना है और ये सरकार फिर से बैलेट पेपर की तरफ ले जाना, मतलब इस सरकार को शंका है कि वो चुनाव हार जाएगी और इसलिए वो मतपत्र के माध्यम से गड़बड़ करने के लिए इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है।